हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, प्रो कबड्डी 2024 का ऑक्शन समाप्त हो चुका है और सभी टीम तैयार हो चुकी है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं पटना पायरेट्स के बारे में कि क्या है प्रो कबड्डी 2024 के लिए इनका स्क्वाड, कितना मजबूत है, क्या चैंपियन बनने का सबसे बड़ा दावेदार है या नहीं। पूरे डिटेल्स में बात करेंगे पटना पायरेट्स के बारे में एक एक करके। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम कबड्डी से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें पटना पायरेट्स के बारे में, तो दोस्तों बता दें कि पटना की टीम जो कि प्रो कबड्डी के इतिहास का सबसे सफल टीम है, लेकिन एक दो वर्षों में उनका परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में इस बार के ऑक्शन से बेहद ही ज़्यादा उम्मीद था कि बेहतरीन खिलाड़ी को खरीदेंगे, लेकिन फैंस है जो कि पटना पायरेट्स के, वह बेहद ही नाराज है क्योंकि ऑक्शन में उनके मन मुताबिक खिलाड़ी नहीं मिल पाए। इसके बावजूद भी पटना पायरेट्स की टीम बोले तो एक ठीक ठाक है। सबसे पहले हम बात करें रेडर्स के बारे में, तो पटना पायरेट्स के पास एक से बढ़कर एक रेडर है। सुधीकर है, संदीप कुमार है, कुणाल मेहता है, मितु शर्मा है। इसके अलावा जांगकुन ली वापसी किए हैं पटना पायरेट्स में, कई वर्षों से नहीं खेल रहे थे लेकिन फिर से वापस आ चुके हैं। इसके अलावा बता दें कि देवांग है, परविंदर है, अयान है, दीपक है, शाहिल पाटिल है। यहाँ दोस्तों देखें तो थोड़ा बहुत कुछ खिलाड़ी है जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे समय के बाद से कबड्डी में वापसी कर रहे हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कि अपने दम पर मुकाबले जिता सकते हैं। तो अब देखने वाला होगा कि परफॉर्मेंस कैसा रहता है प्रो कबड्डी 2024 में। लेकिन बात करें रेटिंग का, तो दोस्तों हम 10 में से 7 रेटिंग देंगे पटना पायरेट्स के रेडर्स के। तो अगले बात करें हम तो डिफेंडर का बात करेंगे। डिफेंडर में कई बेहतरीन खिलाड़ी है पटना पायरेट्स के पास और इन्हीं से ज़्यादा उम्मीद है पटना पायरेट्स को। रेडर्स से जितना उम्मीद नहीं है उतना ज़्यादा डिफेंडर्स है। तो डिफेंडर में हमें नजर आएंगे मनीष, अभिनंदन सुभाष, इसके अलावा बता दें कि युवराज है, वहीं बता दें कि हामिद नदार जिनके सबसे ज़्यादा उम्मीद है, वहीं बता दें कि शुभम भी है, दीपक सिंह है, प्रशांत कुमार पराठी है, अमन है, सागर है, बाबू है, इसके अलावा नवदीप है। और इनके पास डिफेंडर बेहतरीन है, डिफेंडर से सबसे ज़्यादा उम्मीद होगा। तो ऐसे में हम डिफेंडर के रेटिंग के बात करें तो दोस्तों 10 में से 8 रेटिंग देंगे। उम्मीद तो बेहद ही ज़्यादा है, देखने वाला होगा परफॉर्मेंस कैसा रहता है अब प्रो कबड्डी 2024 में। ऑलराउंडर्स की बात करें तो इनके पास 2 ऑलराउंडर है, अनिकेत और गुरदीप। गुरदीप से ज़्यादा उम्मीद है और इनके पास वो क्षमता भी है कि परफॉर्मेंस बेहतरीन कर सके, चाहे वो रेडर हो या फिर डिफेंडर में। तो गुरदीप को देखने वाला का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ओवरऑल देखें पटना पायरेट्स टीम के, तो दोस्तों ओवरऑल एवरेज टीम दिख रही है। अब हो सकता है कुछ खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दे तो फिर पटना पायरेट्स अच्छा कर जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि यह टीम चैंपियन बन पाएगी प्रो कबड्डी 2024 को। हम भी एक पटना पायरेट्स का फैन है लेकिन टीम के देखने के बाद से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पटना पायरेट्स चैंपियन बन पाएगी या फिर एक एवरेज टीम है और एवरेज टीम ही बनकर आ जाएगी प्रो कबड्डी 2024 में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हम आपको अगले वीडियो में।